तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप को जरूर देखें। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। देखिए, देख लिया तो आप ये बताइए कि इस वीडियो क्लिप में क्या गलती है। चलिए हम आपके लिए डायलॉग रिपीट कर देते हैं, जहाँ जोधा नाम के इस कैरेक्टर द्वारा, जो कि काल्पनिक कैरेक्टर है, इतिहास में ऐसे कोई भी जोधा नाम के कैरेक्टर कभी हुई नहीं। अकबर की पत्नी थी मरियम मुलजमानी नाम की, जो कि पर्शियन दासी की पुत्री थी। वो तो इतिहास का अलग टॉपिक है, हम इस पर नहीं बात करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बन सकता है। तो यहाँ इस कैरेक्टर द्वारा कहा जाता है, हाथ में मिट्टी लेके, इसी मिट्टी से बने हम, इसी मिट्टी की सौगंध कि जिसने भी देवी माँ आपके जो है गहने चुराए हैं, हम उसके सर उतार कर ले आएंगे, अर्थात अकबर की बात की जा रही है। चलिए इसमें यह बोला जाता है, इसमें क्या गलती है आप सोच लीजिए, अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बताते हैं कि इसमें जो कहा गया है कि जिसने भी देवी माँ आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर लेंगे। सबसे पहली बात, विधर्मियों ने आक्रमण किया था मंदिर पे और वो सिर्फ गहने चुरा के ले गए, तो इसमें कुछ गलत नहीं लगा। अरे भाई, मूर्ति तोड़े बिना कैसे चले गए? उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता था कि मंदिर में जाओ तो मूर्ति को, मंदिर को खंडित करो। बड़े से बड़ा धन संपदा को, बड़े से बड़ा साम्राज्य को उसके लिए त्याग देते थे। ये तो छोटे से गहने की बात है, इसका उदाहरण भी देखने को मिला जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर में जब हमला करता है, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके ज्योतिर्लिंग को ले जा रहा होता है, तब एक हिंदू व्यापारी द्वारा उसे जो है अपार धन संपदा देने की जो है बात रखी जाती है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को मुझे दे दीजिए, अपार धन संपदा लेके जाइए, इसके आपके पीढ़ी के पीढ़ी जो है इसको समाप्त नहीं कर पाएगी इस धन संपदा को। तब महमूद गजनवी जो है इसको नहीं लेता है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो आप सोचिए कि उसमें उनमें कितनी कट्टरता रही होगी कि ज्योतिर्लिंग के बदले में अपार धन संपदा का त्याग कर दिया जाता है। और लोग ये कहते हैं कि लूटे थे तो धन संपदा कहते थे, बिल्कुल नहीं भैया, उनको मंदिर तोड़ना था, उनको मूर्ति तोड़ना था, इसलिए वो आते थे। तो इस सीरियल में किस तरह से घटिया सेकुलरिज्म के नाम पे, प्रोपेगेंडा के नाम पे, इस सीरियल पे तो अलग से वीडियो बन सकती है। तो इस सीरियल में जो है इस प्रकार से जो है इतिहास को तोड़ मोड़ को दिखाया गया है, जहाँ महाराणा प्रताप को घटिया तरीके से दिखाया गया, अकबर को महान दिखा दिया गया है। तो इसके बारे में तो हमने एक वीडियो बनाए हुए, आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए, इस वीडियो क्लिप में जो दिखाया गया है कि वो जो है विधर्मी आते हैं, गहने को चुरा ले जाते हैं, माता के मंदिर को सुरक्षित छोड़ देते हैं, अर्थात अकबर को कितना महान दिखाया जा रहा है, आप ये देखिए। और इसमें जोधा नाम कैरेक्टर जो शपथ लेते हैं, इसी मिट्टी बने हम, उसका गर्दन ले आएंगे जो भी। तो इस कैरेक्टर का जो शादी जो है अकबर के साथ होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है भाई, कि देखिए इसी जोधा नाम के कैरेक्टर का विवाह जो है बाद में अकबर के साथ किया जाता है, अर्थात इसकी जो जो प्रतिशोध है कहे, या फिर प्रतिज्ञा कहे, या फिर स्वाभिमान कहे राजपूतों की, हिंदुओं की, उसको जो किस तरह से रौंद दिया गया है इस सीरियल में आप देखिए। क्योंकि जिसने उसकी हत्या करने का सौगंध लिया था, उसकी उसी की पत्नी के रूप में उसे जो है भेज दिया जाता है। और वो यहाँ बोलते हैं कि हम राजवंशी हैं, हम अपने पति की हत्या कैसे कर सकते, इस प्रकार से घटिया घटिया लॉजिक दिए जाते हैं, अर्थात उसी के स्वाभिमान को, हिंदुओं के स्वाभिमान को, उन्हीं के सामने इसी टीवी सीरियल में कुचल दिया जाता है। इसको हम इंजॉय करते हुए देखते हैं, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? तो हमारे इस वीडियो को बनाने का यही लक्ष्य था कि देखिए छोटे छोटे बातों में किस तरह से प्रोपेगेंडा घुसा दिया जाता है, इतिहास के साथ कैसे छेड़छाड़ किया जाता है, इसी पॉलिसी पे काम करता है बॉलीवुड। आप बॉलीवुड के कोई भी ऐतिहासिक मूवी उठा के देख लो भाई, जोधा अकबर ये सब हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, गंगा जमुना तहजीब पे आधारित मूवीज़ हैं जो पूरा इतिहास पे छेड़छाड़ करती है। एक तो मूवी दिखाओ मुझे जो बॉलीवुड ने शुद्ध तरीके से और पक्षहीन करके बनाया होगा, तानाजी तक में उन्होंने सेकुलरिज्म घुसा दिया था। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो बना के ये लक्ष्य ही था, हिंदू जागरूक हो जाओ, छोटे छोटे चीज़ों पर भी ध्यान देना आवश्यक है भाई, क्योंकि कहाँ से कहाँ क्या खेल हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपके इसके बारे में क्या कहना है, कौन सी जो भी देखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।